guys, this is the part 2 of H&M Basics haul, and in this video we are going to cover some colorful cute clothes from H&M. My name is Kirti Agarwal and I upload videos on fashion, beauty and lifestyle twice a week, so stay updated for that. And updated रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब जब नया वीडियो आए यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ H&M बेसिक क्लोथ्स अंडर द बजट ऑफ 1500, विच इज क्रेजी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द हॉल. अगर मैंने प्रॉमिस करा कि हम कलरफुल कपड़े रखेंगे, तो मैं सबसे पहले बहुत ही कलरफुल चीज के साथ स्टार्ट कर देती हूँ, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग from the whole video. I have this super cute striped cotton ribbed bodysuit. Oh, such a long name. This bodysuit is so comfortable, so cottony, so perfect. Like आपको देख के पता लग रहा होगा ना कितना stretchable है, कितना cottony है, and can go with so many colors. Like मैं तो उसको blue jeans के साथ style करने वाली हूँ, but you can even go for like a pink jeans or like an orange jeans अगर आपके पास हो तो, or else a blue jeans is perfect. इसमें इतने सारे colors है ना कि ये proper is a summery cute, या फिर जब स्प्रिंग आ रही है तो मतलब स्प्रिंग आउटफिट तो डेफिनेटली लगने वाला है. सुपर ब्रीदेबल, बट इसमें फुल स्लीव्स भी हैं तो गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि कॉटन मटेरियल है, तो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर. एंड मैंने इसके अंदर मीडियम साइज ऑर्डर करा है. एवरीथिंग विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. This is the first and the cutest thing. And ये जो polo neck वाला pattern होता था ना कि collar neck वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. पिछले 2 साल से ये इतना trend में है ना, I cannot resist myself. जैसे मैं ऐसे वाले कपड़ों को देखती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है grab it. These look very classy, very sexy. And especially H&M and Zara तो ऐसे कपड़े बहुत ज़्यादा बनाती है. नेक्स्ट अप, आई हैव सच अ क्लासी पीस ना. ये जो ड्रेस है ये मतलब मैंने इतनी बार पहन ली है, इतनी बार पहन ली है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सुपर क्लासी. मतलब ये ड्रेस देख के लग रहा है कि किसी बहुत हाई एंड ब्रांड से है. पहली बात तो उसका प्रिंट इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे. द प्रिंट इज समथिंग विच इज लुकिंग अमेजिंग, बहुत ही क्लासी लग रहा है ये. दिस इज सो ब्रीदेबल. मतलब वो क्रेप वाला मटेरियल होता है ना, CREPE, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. खाने वाले क्रेप्स की बात नहीं कर रही मैं, क्रेप वाले मटेरियल की बात कर रही हूँ. बिल्कुल वो वाला मटेरियल है. सुपर सुपर ब्रीदेबल फैब्रिक, एंड लेंथ बहुत अच्छी है इसकी. आपके नीज से भी डेफिनेटली नीचे आएगी. अगर मुझे नीज से नीचे आएगी तो सबको नीज से नीचे तो डेफिनेटली आएगी. स्लीव्स भी है, वेरी वेरी इजी टू वेयर, सुपर कंजर्वेटिव. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक योर ऑफिस और लाइक कॉलेज में आपके कुछ ऑफिशियल ऑफिस वाला ऐसे गैदरिंग सॉर्ट ऑफ है, आपके सीनियर वगैरह आ रहे हैं ना, तो ऐसी ड्रेसेस बड़ी अच्छी लगती है. लाइक दिस ड्रेस इज समथिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट. एंड जैसे ही उसको देखेगा ना, बूम, एक क्लासी और एलिगेंस का ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट आने वाला है डेफिनेटली. मेरी ये ड्रेस बहुत फेवरेट है, मतलब पहनने के बाद तो इतनी सुंदर लगती है. दिस इज अ रैप अराउंड ड्रेस, सो बहुत अच्छे से आपके कर्व्स को भी फ्लॉन्ट करेगी. दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग ड्रेस. अगेन आई एम द साइज मीडियम, थोड़ी सी लूज है, आई कुड हैव गॉन फॉर स्मॉल, बट मेरी साइज ना बड़ी ऊपर नीचे होती रहती है कुछ कुछ दिनों में, तो मैं मीडियम ही ले लेती हूँ ऑन द सेफर साइड. नेक्स्ट अप, आई हैव समथिंग विच इज अगेन सुपर सुपर क्यूट. दिस इज अ टी शर्ट, एंड ये जो टी शर्ट है ना, इस पर लिखा हुआ है LA. अब अगेन मुझे कॉलर वाली टी शर्ट इतनी पसंद आती है, पता है इसकी तो लेंथ भी अच्छी है, तो आप कॉलेज में इसको आराम से पहन सकते हो. जो मैंने पहनी है ना, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम H&M. ये मैंने पार्ट 1 में दिखाई थी, एंड इफ यू हैवंट वॉच द पार्ट 1 तो मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक कर दूंगी, जाके देख लेना. एंड ये जो टी शर्ट है ना, ये वाली जो मैंने पहनी है तो छोटी है, बट ये वाली जो है ना, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है. एंड अगर आप इसको व्हाइट जीन्स के साथ पहन रहे हो ना, तो आप इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने क्यूट लगने वाले हो. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट कॉलेज आउटफिट फॉर समर्स. एकदम ढीली ढाली ओवर साइज टी शर्ट, मतलब मैंने इसमें साइज मीडियम लिया है, पर अगर आपका साइज मीडियम है तो लार्ज ले लो, अगर लार्ज है तो एक्स्ट्रा लार्ज ले लो. बहुत ओवर साइज फिट हो जाएगा, एंड बहुत ही क्यूट, बहुत ही कूल लगते हैं ऐसे टी शर्ट्स पहन के. द मटेरियल इज सो गुड, लाइक बहुत अच्छा कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल कॉटन का है, मतलब द बेस्ट कॉटन मटेरियल जो भी पॉसिबल हो सकता है वो वाला मटेरियल है. बिकॉज इसकी प्राइस भी 1200 रुपये है, तो ऑफकोर्स मटेरियल तो बहुत अच्छा देंगे ही. एंड दिस इज लुकिंग सो नाइस. मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी, मतलब मैं तो मन कर रहा था मैं इसको पहन के बैठ जाऊँ, बट आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइज. कितनी सुंदर है, पीछे से प्लेन है, एवरीथिंग इज अमेजिंग. आई एम द साइज मीडियम फॉर दिस वन. पता है इस टॉप को देख के मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था कि ये 700 रुपये का टॉप है. लाइक कैन यू बिलीव दिस गैदर्ड टॉप, जो ज़ारा पे 3000 या 2000 रुपये का मिनिमम मिलता है, ये आपको H&M पे सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज भी मिल जाएगा. एंड जब मैं इसको ऑफलाइन भी देखने गई थी ना, मैंने इसको पहन के देखा, इट वॉज लुकिंग सो नाइस, सो क्लासी, सो कंफर्टेबल टू वेयर, वेरी वेरी मच स्ट्रेचेबल एज वेल. एंड दिस टॉप, मतलब क्या आप कह सकते हो ये 700 रुपये का टॉप है, एंड द क्वालिटी इज सो गुड, सुपर ब्रीदेबल, सुपर कंफर्टेबल. एंड इसका जो फ्लो है ना, वो इतना सुंदर आता है ना बॉडी पे, दैट दिस विल एक्सेंचुएट ऑल योर कर्व्स एंड एवरीथिंग. मतलब ये
टॉप आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड आप इसको चाहो तो फॉर्मल स्टाइल कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर ब्लेजर वगैरह पहन सकते हो, और एल्स इफ यू वांट तो आप इसको इसके नीचे पैंट्स पहन सकते हो, सिंपल ऐसा स्ट्रेट लेग पैंट्स, जीन्स पहन सकते हो, कैजुअल बना सकते हो. एंड कुछ ऐसा स्कर्ट पहन लिया है, फिर शिमरी पैंट्स पहन लिया, तो आप इसको पार्टी वेयर भी बना सकते हो. सो ये वाला टॉप ऐसा है ना कि आप इसको जैसे स्टाइल करोगे ये बिल्कुल वैसा दिखने वाला है. एंड फॉर 700 rupees, दिस इज अ स्टील डील. इसमें कलर्स भी अवेलेबल थे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अमेजिंग. एंड आई ट्राई कि मैं बाकी सारे कलर्स भी ना लिंक कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर. नेक्स्ट अप आई हैव अगेन अ रियली क्यूट एंड नॉट इवन क्यूट आई वुड से रियली सेक्सी एंड नाइस थिंग जो गर्मियों में हम सबको चाहिए होती है, अ ब्लैक कलर का बॉडी सूट. लाइक अ ब्लैक बॉडी सूट इज मस्ट इन विंटर्स. एंड दिस बॉडी सूट इज समथिंग जो आप ऐसा नॉर्मल बॉडी सूट की तरह तो पहन ही सकते हो, बट टॉप की तरह पहनोगे तो ऑफकोर्स और ज़्यादा अच्छा लगेगा. दिस वॉज प्राइज फॉर रुपीज अराउंड 800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. येस दिस वॉज फॉर 799 rupees. एंड अगेन 799 के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, सुपर सुपर कम्फर्टेबल. इसका मटेरियल बिल्कुल पहले वाले मटेरियल जैसा है एंड इवन अ लिटिल बेटर आई वुड से, वेरी मच स्ट्रेचेबल. H&M के बॉडी सूट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लाइक H&M के बॉडी सूट्स आर समथिंग विच आई ऑलवेज लॉन्ग फॉर, क्योंकि इतने कम्फर्टेबल टू वेयर होते हैं. एंड आप देखो पहनने के बाद तो बहुत अच्छा फिट देता है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं H&M के बॉडी सूट्स. अगेन आई एम द साइज मीडियम फॉर दिस एंड दिस फिट्स मी परफेक्ट. Goes with a lot of colors. Jeans के साथ पहन लो, पार्टी वेयर तरीके से स्टाइल कर सकते हो, मतलब दिस इज समथिंग जैसे स्टाइल करोगे बिल्कुल वैसा दिखने वाला है. अगेन अ वेरी वेरी एलिगेंट टॉप. नेक्स्ट अप आई हैव अ स्किनी जीन्स लाइक अ पर्सन. मैं वो इंसान हूँ जिसने पिछले एक साल से मेरे पूरे चैनल पे जितने भी हील्स जीन्स हॉल करे उसमें एक भी स्किनी जीन्स नहीं दिखाई, बट अ लॉट ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग मी कि प्लीज एक जीन्स हॉल कर दो, वो भी स्किनी वाला. तो मतलब मैंने स्किनी का जीन्स हॉल तो नहीं करा है अभी तक, बट आई हैव इंक्लूडेड दिस स्किनी जीन्स इन दिस वीडियो. नाउ दिस जीन्स इज समथिंग जो इतनी कंफर्टेबल है कि स्किनी जीन्स होके भी स्किनी जीन्स तो नहीं है, बिकॉज ये इतनी कंफर्टेबल टू वेयर है. लेंथ इसकी मुझे थोड़ी सी छोटी लगी कंपैरेटिवली, बट पहनने के बाद तो ठीक ही थी आई वुड से. हाई वेस्टेड है, मटेरियल इज लाइक वेरी मच वो डेनिम वाला, जो अच्छा डेनिम मटेरियल होता है ना, लाइक कुछ डेनिम मटेरियल होता है जो बड़े पतले से ट्राउजर पैंट जैसे होता है, ये बिल्कुल वैसा नहीं. दिस लाइक अ गुड थिक डेनिम मटेरियल विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एनी डेनिम. प्राइस है इसके 1700 rupees विच इज वर्थ इट, बिकॉज ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. एंड देर आर फ्यू टॉप्स लाइक पेपलम टॉप हो गया, या फिर कुछ लंबे वाले टॉप्स होते हैं ना, क्रॉप टॉप्स पे तो वाइड लेग या फिर स्ट्रेट फिट या मॉम जीन्स चली जाती है, बट जो थोड़े लंबे वाले टॉप्स होते हैं ना, लाइक ट्यूनिक्स हो गए या फिर थोड़े पेपलम टॉप्स हो गए, उन सब पे या फिर छोटी वाली जो स्ट्रेट कुर्तीज होती है उन सब पे वी नीड स्किनी डेनिम्स, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है. एंड दिस कलर इज समथिंग विच विल गो विद ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ टॉप. मतलब ये कलर ऐसा मिड वॉश्ड ब्लू है, एंड मिड वॉश्ड ब्लू इज समथिंग जो आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए. लाइक डू नॉट गो फॉर लाइक अ डार्क ब्लू डेनिम या फिर लाइट ब्लू डेनिम इन स्किनी डेनिम्स, गो फॉर लाइक अ मिड वॉश्ड ब्लू एंड आपका पूरा वार्डरोब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली डेफिनेटली. एंड फॉर 1700 rupees इट्स एन अमेजिंग डील, बिकॉज मटेरियल इसका बहुत कंफर्टेबल टू वेयर है. दीज थिंग्स आर लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया यू विल वेयर इट फॉर ईयर्स, लाइक लिटरली ईयर्स. H&M की डेनिम्स इतनी अच्छी होती है. नेक्स्ट अप आई हैव अगेन अ वेरी कलरफुल थिंग. आपने ऐसे ग्रीन कुछ तो देख ही लिया होगा. पिछले वाले वीडियो में ना मैंने इसका ब्लैक कलर का ड्रेस दिखाया था, एंड इस वाले में मैंने इसका ग्रीन कलर, अभी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने इसमें दो कलर्स मंगवा लिए. तो डेफिनेटली दिस इज लाइक अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब, अ प्लेन ब्लैक या फिर ग्रीन कलर का ऐसा बॉडीकॉन ड्रेस विच इज सुपर कंफर्टेबल टू वेयर, सुपर ब्रीदेबल, सुपर मतलब ऐसे कि मतलब ड्रेस है ना तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि ये पहनूं कि वो पहनूं. ड्रेस होती है आपका दोनों ऊपर नीचे का पूरा सॉर्ट हो जाता है. एंड 1200 rupees के आसपास की थी ये, विच इज़ वेरी वेरी नाइस. मतलब बहुत ही आपके पूरे वार्डरोब के ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है ड्रेसेस. एंड आई वुड से इसकी एक्सेसरीज पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे एक्सेसराइज करते हो. एंड इफ यू एक्सेसराइज इट विद ब्लैक तो ये थोड़ा डिफरेंट तरीके की लगेगी, इफ यू एक्सेसराइज इट विद वाइट तो बहुत ही क्यूट एंड कलरफुल एंड ऐसा कूल वाला आउटफिट लगेगा. सो दैट्स वाई आई वुड से इसको थोड़ा वाइट के साथ एक्सेसराइज करना, ये बहुत अच्छी लगने वाली. अगेन आई एम द साइज मीडियम फॉर दिस, फिट्स परफेक्टली. एक बस सिंपल सा आप टमी टक्कर पहन लो इफ यू हैव अ टमी फैट और साइड फैट, बहुत अच्छे से चला जाएगा. एंड दिस इज सच अ नाइस ड्रेस, लाइक सच अ गुड ड्रेस कि मेरे पास इसमें दो कलर्स है. नाउ लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल बट नॉट अ लीस्ट वन, आई हैव अ वेरी डिफरेंट कलर डेनिम. मतलब पिछले वीडियो में ना मैंने 3 डेनिम्स दिखाए थे एंड वो तीनों ही बड़े नॉर्मल कलर्स थे, बिकॉज आई वॉन्टेड कि अगर किसी ने डेनिम्स नहीं लिए एंड दे आर लुकिंग फॉर सम डेनिम्स तो उनका पूरा वार्डरोब कवर हो जाए. एंड स्पेशली दिस अभी जो मैंने स्किनी वाला दिखाया वो भी वैसा ऐसा ही था, बट देन दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट. इफ यू हैव सम वाइट टॉप, स्पेशली वाइट टॉप्स जो
आपके बहुत सारे डेनिम्स पे नहीं जाते हैं, लाइक सिर्फ आप उसको लाइट ब्लू या फिर मिड वॉश ब्लू के साथ पहनते हो, देन दिस इज समथिंग जिसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस विल गो विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक मैंने पिछले वीडियो में एक ऐसे कलर का टॉप, ये वाला टॉप दिखाया था, इसके साथ ही कितना ज्यादा सुंदर लगेगा, जस्ट इमेजिन. तो ऐसे वाले जो कुछ टॉप्स होते हैं ना जो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर थोड़े से ऑफ व्हाइट कलर के होते हैं विद फ्लोरल प्रिंट्स ऑन इट या फिर प्लेन व्हाइट टॉप्स, उनके साथ तो ये जीन्स बहुत अच्छी लगने वाली है. कैन बी स्टाइल इन सो मेनी वेज. एंड इतना सही प्राइस था इसका, 1299 रुपीज वाले सेक्शन से है ये. एंड H&M का ये वाला सेक्शन बहुत अच्छा है. लाइक मैं दो एक साल से इसके ब्राउन और एक और कलर की जीन्स पहनती आ रही हूँ, विच इज अमेजिंग. एंड ये जो स्टिच वाला पैटर्न है ना जो आजकल चलने लगा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज दिस लुक्स वेरी कूल, यू नो, बड़े जेंजी वाला वाइब आता है इस वाले से मेरे को. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. लेंथ वगैरह बहुत अच्छी होती है, मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है सरप्राइजिंगली, एंड आई लव दिस. मतलब 1299 वाले सेक्शन H&M पे बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी ले लिया करो ये वाली जीन्स. तो दिस वॉज ऑल अबाउट 7 to 8 प्रोडक्ट्स विच आई गॉट इन द पार्ट 2 ऑफ दिस H&M हॉल. एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक पार्ट 3, then please let me know in the comments down below. I'll definitely make it for you guys. This was all about this video. I really really hope you liked the video and enjoyed watching it, and if you did, then please please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye bye.